यह एक शुभारंभ है। सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है? जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है उन बच्चों के अभिभावक के भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे।